हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर लेआउट टैब मिसिंग है, यानी लेआउट टैब नहीं दिख रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर फाइल टैब में जाना है। ये रहा फाइल टैब। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है सबसे नीचे वाले उसमें ऑप्शंस पे, यानी कि ऑप्शंस पे ही रहा ऑप्शंस। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड ऑप्शन का ही देखिए एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये रहा वर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो वर्ड ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर हमको जाना है कस्टमाइज रिबन पे। ठीक है, ये रहा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है यहाँ पर कस्टमाइज द रिबन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेन टैब। ठीक है, ये देखिए, ये मेन टैब दिख रहा है यहाँ पे। अगर मेन टैब बाई चांस यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर जाइए, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेन टैब। ठीक है, तो हमको बेसिकली मेन टैब में जाना है। मेन टैब में यहाँ पर देखिए, ये है लेआउट टैब का ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ये लेआउट टैब का ऑप्शन, बस यहाँ पर आप टिक मार्क कर दीजिए। टिक मार्क कर दिया हमने। उसके बाद नीचे से ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ओके बटन दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लेआउट टैब आ गया है। ठीक है।